अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओवरफिटिंग को देखने जा रहे हैं। हमने एक पिछली वीडियो के अंदर भी ओवरफिटिंग को डिस्कस किया था और इस वीडियो के अंदर हम एक और एग्जांपल से ओवरफिटिंग को समझेंगे। ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा जैसे जैसे हम डिफरेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम जो हैं वो देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम एक सिंपल डाटा सेट लेते हैं और उसकी मदद से कोशिश करते हैं ओवरफिटिंग को समझने की। यहाँ पे हमारे पास ये एक डाटा सेट है जो कि किसी कंपनी ने कलेक्ट किया हुआ है। ये ठीक है, ये मेड अप डाटा सेट है जिसमें कि एक जो कस्टमर है वो उसने बोट जो है वो बाय की या नहीं की उसका डाटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहले फीचर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये हमारे इनपुट फीचर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इनपुट फीचर्स हैं जिसमें एज है, ठीक है, जो कि एक कंटिन्यूस फीचर है। देन नंबर ऑफ़ कार्स ओन है कि कितनी कार्स हैं उसके पास कस्टमर के पास। देन ओन द हाउस है, ठीक है, जो कि बाइनरी फीचर है, येस या नो है। इसके बाद नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है जिसमें 2, 3, 0 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है उस कस्टमर के। देन उसका मैरिटल स्टेटस है। इसी तरह से उसका एक और फीचर है ओन्स अ डॉग। ठीक है, तो इन फीचर्स की बेस पे अगर हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि वो बोट बाय करेगा या नहीं करेगा तो उसके लिए हमें कुछ डाटा जो है वो चाहिए जिसकी मदद से हमारा मॉडल जो है वो ये लर्न कर सके कि नया आने वाला कस्टमर बोट बाय करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि कंपनीज रिक्वायर करती हैं कि हमारे पास इस तरह का मॉडल हो जो कि हमें ये बता सके कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको डाटा सेट जो है वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ये डाटा सेट देता हूँ और आपको ये कहता हूँ कि आप इसके लिए डिफ़ाइन करें कोई रूल्स जिसकी बेस पे हम ये डिटरमिन कर सकें कि कस्टमर जो है वो बोट बाय करेगा या नहीं करेगा, और आप इन 12 एग्जांपल्स की बेस पे, 12 कस्टमर्स की एग्जांपल्स, इनको हम एग्जांपल्स या इंस्टेंसेस कहते हैं, इनकी बेस पे आप कोई रूल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये रूल बना लेते हैं जी कि अगर एक कस्टमर जो है उसकी एज जो है वो 45 या उससे ज़्यादा है, उसके लेस देन 3 चिल्ड्रन हैं और ही इज़ नॉट डिवोर्स्ड, ठीक है, देन दे वांट टू बाय अ बोट। ठीक है, अब ये जो रूल यहाँ पे स्पेसिफाई किया हमने कि जी अभी हम मैं मॉडल्स की तरफ नहीं जा रहा, जस्ट आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं उनके अंदर भी इस तरह से रूल्स डिफाइन होते हैं जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि डिसीजन ट्री एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम इफ एल्स कंडीशंस की तरह ही वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं उस मॉडल के साथ क्योंकि अभी हमने मॉडल्स नहीं देखे। जैसे जैसे आप मॉडल्स को देखते जाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, लेकिन इस एग्जांपल से अभी आप इसको समझें कि ओवरफिटिंग क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रूल्स जो हमने डिफ़ाइन कर लिए, अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जस्ट 12 एग्जांपल्स हैं और 12 एग्जांपल्स की बेस पे हमने जस्ट ये देखा जी कि अगर ये यहाँ पे जो जहाँ पे कस्टमर जो है उसकी उसने बॉट जो है वो की हुई है परचेज़, ठीक है, जिन कस्टमर्स ने, उनकी हमने देख ली जी कि इनकी एज क्या है। ठीक है, तो हमें पता चला जी कि इनकी एज जो है वो अबव 45 है, ठीक है, और उनका जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो हमने देख लिए, ठीक है, और इसी तरह से उनका मैरिटल स्टेटस देख लिया। अब इन जस्ट 12 एग्जांपल्स की बेस पे अगर हम एक मॉडल बना लें या इस तरह से कंडीशंस लगा लें तो वो मॉडल चांसेस हैं कि वो ओवरफिटिंग होगी उसके अंदर। ठीक है, ओवरफिटिंग का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जस्ट 12 एग्जांपल्स हैं जिसमें एज भी है और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और मैरिटल स्टेटस वगैरह है। इन 12 एग्जांपल्स की बेस पे अगर हम कोई रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स डिफाइन कर देते हैं इस तरह से तो वो चांसेस हैं कि वो ओवरफिटिंग उसमें हो जाए। ठीक है, और उसमें ओवरफिटिंग से मुराद ये है कि जो इतनी स्पेसिफिक इतनी डिटेल्ड अगर हमने दी हैं जी कि हमने जो
हमने जो कस्टमर की एज है उस पर भी जो है वो कंडीशन लगा दी, हमने उसके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पे भी कंडीशन लगा दी, हमने नॉट डिवोर्स पे भी कंडीशन लगा दी, उसके मैरिटल स्टेटस पे भी। तो इन तीनों चारों चीज़ों को जैसे जैसे हम कंडीशंस पे कंडीशंस लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपका मॉडल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स मॉडल बनता जाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स मॉडल को देन कोई नई आने वाली एग्जाम्पल को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा ये जो ट्रेनिंग डाटा है इस पे हमने अपने मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि ये कैसे बिहेव करता है इसका डाटा, ठीक है, ये डाटा सेट कैसे बिहेव करता है ट्रेनिंग डाटा पे, तो हमने इसको बता दिया। लेकिन ये 12 एग्जांपल्स जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती किसी भी तरह 1000 एग्जांपल्स की लेट से या 10,000 एग्जांपल्स की, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इस रूल की बजाय सिर्फ इतना रूल बना लें कि जी कस्टमर की जो एज है ना वो अगर 45 से ज़्यादा है देन ये रूल ज़्यादा जनरल होगा, ठीक है। इसको आप रिलेट कर रहे हैं वो पिछली एग्जांपल जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है मशीन लर्निंग के अंदर वो मेमोराइजेशन नहीं होता, जनरलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझें इस तरह से कि जो मेमोराइजेशन है उसमें क्या हो रहा है कि अगर हम एक एक फीचर की वैल्यू को देख के उसकी बेस पे कंडीशन लगा देते हैं तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, मेमोराइज़ कर रहे हैं कि इस लेवल पे ये आउटपुट होना चाहिए, इस लेवल पे यस आउटपुट होना चाहिए, इस लेवल पे नो आउटपुट होना चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में उस कंडीशन को नहीं लगाते, हम जस्ट कहते हैं जी कि कस्टमर जो है उसकी एज जो है वो ग्रेटर दैन 45 है, देन वो जो मॉडल है वो ज़्यादा जनरल होगा, ठीक है। ऑल्दो मे बी हम कुछ मिस्टेक्स भी कर रहे हों अपने ट्रेनिंग डाटा के अंदर, लेकिन ओवरऑल जब हम हमारा मॉडल न्यू एग्जांपल्स पे जो है वो को एज इनपुट लेगा तो उस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी, ठीक है। और इसमें मॉडल की कम्प्लेक्सिटी और एक्यूरेसी का काफ़ी ज़्यादा आपस में रिलेशनशिप है, कुछ इस तरह से कि जैसे जैसे हमारे मॉडल की कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जो मॉडल है वो ओवरफिट होता जाता है ट्रेनिंग डाटा पे, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो ट्रेनिंग डाटा पे तो बढ़ती जाती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे अनसीन एग्जांपल्स पे या टेस्ट डाटा पे भी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जी ट्रेनिंग डाटा जो है उस पे अगर परफॉर्मेंस हमारी अच्छी आ रही है तो इट डजेंट मीन के हमारा मॉडल जो है वो अच्छा है। हमें क्या चाहिए होता है मशीन लर्निंग के अंदर कि हमारा मॉडल जो है वो जनरलाइजेशन कितनी बेहतर कर रहा है, ठीक है। और हमारे मॉडल की कम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है हमारे मॉडल की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ करते करते जहाँ पे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी जो है वो तो बढ़ती जाती है लेकिन जो हमारा अनसीन एग्जांपल्स पे जो परफॉर्मेंस है या टेस्ट डाटा पे जो परफॉर्मेंस है वो एक वक्त आता है कि वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमें ये देखना होता है, ये हमें सर्च करना होता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे हम स्वीट स्पॉट यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये स्वीट स्पॉट हमें सर्च करना होता है अपने मॉडल के अंदर डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी लेवल में, ठीक है। और अगर मॉडल हमारा बहुत सिंपल हो तो हमारा मॉडल जो है वो अंडरफिट करता है, ठीक है, और अगर हमारा मॉडल बहुत कम्प्लेक्स हो तो वो ओवरफिट करता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप दोबारा जब कुछ एल्गोरिदम्स को देख लेंगे तो दोबारा वापस आके देख सकते हैं। तो ये एज अ रेफरेंस इसको समझिए, अगर आपको इसको मुकम्मल तौर पे आपको इसकी समझ नहीं भी आई तो ये एज अ रेफरेंस और एक गाइड आपके लिए जो है वो काम करेगा, ठीक है।